गाइज वेलकम टू फिजिक एडिटर, मैं राकेश फिटनेस कोच और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ एक हेल्दी फैट लॉस ड्रिंक। चलिए सबसे पहले इसको कुक करते हैं एंड देन आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सिंपल मेरे पास में यहाँ पे एक लेमन है जिसको मैंने जस्ट बेसिकली हाफ में कट किया है एंड देन यूज अ लेमन स्क्वीजर जिसकी मदद से आप लेमन को ना हाफ लेमन को स्क्वीज करके ग्लास में ऐड कर दें। देन मेरे पास यहाँ पे है एक कॉफ़ी का सैशे। वेल ये जो सैशे है ये 1.5 ग्राम का सर्विंग देता है, 1.5 ग्राम का सर्विंग देता है ये। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है देन आपके लिए ये सर्विंग गुड इनफ है, लेकिन अगर आप यू नो लंबे टाइम से कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे हैं देन वहाँ पे आपको आपका डोज इंक्रीज करना पड़ेगा 5 ग्राम, मतलब एक चम्मच के आसपास आपको डोजिंग का ज़रूरत पड़ेगा, तब जाके यू नो आपको किक फील होगा। एंड देन यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ हॉट वाटर यानी लूक वार्म हॉट वाटर, एकदम भी गर्म पानी आपको ऐड नहीं करना है, जस्ट लूक वार्म हॉट वाटर। और इसके बाद जस्ट अ स्लाइस ऑफ लेमन, ये जस्ट सिंपली एक प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए, दैट्स इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। एकदम ही सिंपल होममेड प्री वर्कआउट ड्रिंक जो कि आपके वर्कआउट को ना बूस्ट करेगा। तो ये बन के आ गया है बेसिकली वो ड्रिंक। वेल कॉफ़ी हमें ज़रूरत क्यों पड़ता है? बहुत सारे मैक्सिमम लोग हैं जो यू नो सुबह वर्कआउट करना पसंद करते हैं या फिर उनके लाइफ के अकॉर्डिंग उनका शेड्यूल सुबह ही बैठता है, अगर वो सुबह वर्कआउट करेंगे तो ही मतलब पूरे दिन को एडजस्ट कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए यू नो सुबह उठ करके कॉफ़ी कंज्यूम करना इट्स अ सुपर फैंटास्टिक ऑप्शन। मतलब सुबह आप अगर कॉफ़ी कंज्यूम करोगे तो आपका जो यू नो मेंटल फोकस है, मेंटल कॉन्सेंट्रेशन है, मेंटल पावर है, जो फिजिकल पावर के साथ में बहुत अच्छा बूस्ट देगा। हे लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर आपको पहले से ना कोई भी गैस, ब्लोटिडिटी, एसिडिटी, इस तरह का कोई भी इशू है तो यू नो ब्लोटिंग वगैरह है तो फिर इसमें ये जो लेमन है ना थ्रो इट अवे, इसमें आपको लेमन डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको गैस, ब्लोटिंग ऐसा कोई भी इशू एग्जिस्ट नहीं करता आपकी बॉडी में देन यू आर गुड टू गो विद दिस प्योर लेमन कॉफ़ी। टेस्ट वाइज बात करें तो इसमें क्या टेस्ट मिलेगा आपको, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, इट्स ब्लाइंड, मतलब लेमन डालने के बाद जो लेमन का ही फ्लेवर आया, वरना इट्स एक्चुअली बिटर, जो इसका टेस्ट है ना थोड़ा सा कड़वा है। लेकिन आपको अगर चाहिए इफ़ यू कांट ड्रिंक दिस तो आप इसमें स्टीविया ऐड कर सकते हो। शुगर डालने से तो अच्छा ही है कि स्टीविया ऐड करो, लेकिन वो एक कम्प्लीट ऑप्शनल प्रोडक्ट है। अगर टेस्ट आपके लिए मैटर करता है देन आप स्टीविया ऐड करें। मैं कभी कभार करता हूँ स्टीविया ऐड क्योंकि वो एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है तो यू नो एवरी टाइम उसको यूज़ करना इट्स नॉट दैट ईजी, बट अगर टेस्ट आपके लिए मैटर करता है तो डू ऐड स्टीविया, वरना ये जो बिटर टेस्ट है ना इसके साथ यू आर एक्चुअली गुड टू गो। तो कौन कौन ले सकता है ये कॉफ़ी? आप जिम जाते हो, जिम नहीं भी जाते हो, डजंट मैटर, एवरी वन कैन कंज्यूम नॉर्मल कॉफ़ी। अगर आप जिम नहीं जाते हो तो आपके लिए जो सर्विंग अमाउंट होगा ना वो एक्चुअली में कम होगा, एक सैशे का जो सर्विंग है वही आपके लिए गुड इनफ है। आप अगर जिम नहीं भी जाते तो फिर दिन में एटलीस्ट आप 2 कप तो आराम से कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आप एक एक्टिव इंडिविजुअल हो, मतलब फिजिकल एक्टिविटी आपका ज़्यादा है, वर्कआउट करते हो या फिर आपके वर्क प्लेस में भी आपका फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है देन आप पूरे दिन में 2 कप ले सकते हो 5 ग्राम की सर्विंग के साथ। 5 ग्राम की सर्विंग सिंपली मींस अ स्पून, मतलब एक स्पून की सर्विंग आप इजीली कंज्यूम कर सकते हो। और इसको एटलीस्ट आप वर्कआउट के 20 से 30 मिनट पहले कंज्यूम करेंगे ना फिर आपको एक अच्छा किक मिलेगा। लेकिन हाँ ध्यान देना, बहुत सारे यू नो स्टडीज़ में पाया गया है कि वर्कआउट के टाइम पे जो मॉर्निंग वर्कआउट है, मॉर्निंग वर्कआउट में एम्प्टी स्टमक अगर आप कॉफ़ी लेते हैं तो इनिशियल स्टेज में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट एंड बूस्ट दिखता है, लेकिन धीरे धीरे वो रिजल्ट है ना कहीं स्लो डाउन हो जाता है। यहाँ पे डोज इंक्रीज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बाय नेचर जो रिजल्ट होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन हाँ मॉर्निंग में ऑन एन एम्प्टी स्टमक अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर पाते तो एम्प्टी स्टमक में आप कॉफ़ी लेने के बाद यू नो नॉर्मल वॉक कर लो, रनिंग कर लो, कोई भी आप इस तरह का फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो वहाँ पे ना आपके बॉडी से जो भी स्वेट निकलेगा तो जो आपके बॉडी में जो फैट सेल्स होते हैं, फैट सेल्स आर फुल ऑफ वाटर, तो उन फैट सेल्स के अंदर जो वाटर होता है ना उनको वो बाहर निकालने में हेल्प करता है। मतलब अल्टीमेटली आपके बॉडी से जो स्वेट के थ्रू फैट बाहर आ रहा है तो आपको यहाँ पे यू नो फैट लॉस में कमाल का एडवांटेज तो दिखेगा ही। एक बात ध्यान देना, कॉफ़ी थोड़ा सा ड्यूरियाटिक है, ड्यूरियाटिक यानी आपके बॉडी से पानी निकालता है, कुछ हद तक पानी निकालता है यूरिन के थ्रू। लेकिन अगर आप इसको यू नो मॉर्निंग वर्कआउट के टाइम पे एम्प्टी स्टमक में कॉफ़ी कंज्यूम करोगे तो आपके अंदर जो फैट जमा पड़ा हुआ है, जो स्टक्ड फैट है, वहाँ से भी यू नो वाटर को निकाल के आपको बहुत ही एक लाइट वेट का फील देता है। मतलब आप अपने बॉडी के साथ और ज़्यादा कम्फर्ट फील करोगे। लेकिन हाँ एक दिन में कुछ भी नहीं होने वाला, आपको इसके साथ यू नो कंसिस्टेंट रहना होगा। तो अगर आपका गोल यू नो फैट लॉस करना है
तो ऐड करें इस कॉफ़ी को अपने वर्कआउट शेड्यूल के पहले, एटलीस्ट 20 से 30 मिनट पहले, तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट दिखेगा। लेकिन हाँ, साथ में आपको जो आपका डाइट है ना, वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यहाँ पे डाइट से मेरा मतलब कम खाना है, वो डाइट नहीं होता है, इट्स अबाउट न्यूट्रिशन। आपको पूरा दिन यू नो नीट एंड क्लीन फूड खाना है, जब जाके जो ये कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन मिलेगा ना, आपके बॉडी में यू नो एक मैजिक रिजल्ट देगा। लेकिन वो मैजिक ओवरनाइट हैपन नहीं होता है, उसके लिए यू नो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ साथ थोड़ा टाइम भी देना पड़ता है, तब जाके यू नो एक फैंटास्टिक बॉडी अचीव करने में हेल्प मिलता है। तो ऐड करें इस ड्रिंक को अपने रेगुलर एक्सरसाइज शेड्यूल के साथ में, एंड डू शेयर योर कमेंट्स विद मी। वेल, दैट वॉज द वीडियो फॉर द डे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो डू डेफिनेटली गिव इट अ थम्स अप, और साथ में जुड़ जाओ यार इस चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करके। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डेफिनेटली ईट हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर, बाय।